मेरा नाम कासम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। 10-12 को मार के मरेगा, कायर बुजदिल की तरह नहीं मरेगा, इज्जत की मौत मरेगा, इज्जत की मौत। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, तुम तरम। शाम कहाँ है? वो तो पिट्टो को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया। अभी तक दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं बनी जहाँ से मंगल ना निकल सके। अपने आदमियों से कह दो सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अगर हम भी आपको एक थप्पड़ सीध कर दें अभी तो क्या रह जाएगी आपकी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुलंद आवाज और अंदाज के शहंशाह बिहारी बाबू उर्फ शॉटगन की। या तो तुम नीचे आ जाओ या फिर हम ऊपर आते हैं, या थोड़ा नीचे तुम आओ और थोड़ा ऊपर हम आए। एक ऐसा कलाकार जिसे फिल्म इंडस्ट्री ने शत्रु कहकर भी गले लगाया। शत्रु साहब जिनका मानना है कि कंपटीशन के उस दौर में अपने आप को बेस्ट साबित करने फिल्म इंडस्ट्री में मैं आया था, लेकिन मैंने देखा कि कंपटीशन बहुत ही टफ है, तो मैंने अपने आप को सबसे डिफरेंट साबित करने में लगा दिया और मैं उसमें सफल भी हो गया। जिस दौर में दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजकुमार जैसे अभिनय के धुरंधरों का दबदबा था, तो उसी दौर में अपनी ठसकदार बुलंद और कड़क आवाज के साथ चाल ढाल की मदमस्त शैली लिए एक अभिनेता अपनी धमक में ऐसी धाक जमाई कि वो देखते ही देखते दर्शकों का चहेता बन गया। और आज का मजदूर अपने पांव की ठोकरों से बड़े बड़े बादशाहों की तकदीर लिखता भी है। खून का इल्जाम मिस्टर विजय वर्मा पर और मिटाता भी। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तीसरे बादशाह हम हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की। वैसे तो शत्रु साहब के बारे में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको फिल्म इंडस्ट्री में उनके संघर्ष की शुरुआत की एक झलक के साथ साथ उनके जीवन के उन पहलुओं से भी अवगत कराएंगे जिनके बारे में दुनिया कम ही जानती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे बना शत्रु के गाल पर कटे का निशान। कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों में हुई मारपीट की वजह से पड़ा ये निशान, क्या है इसमें सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम आपको बताएंगे कि शत्रु साहब फिल्म इंडस्ट्री में पहले ऐसे स्टार हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे महंगी मिर्च खाई। बाला साहब ठाकरे ने शत्रु साहब को क्यों मिर्च खिलाई, जानेंगे इस पूरे वाक्या को, और साथ ही जानेंगे उनके बंगले रामायण में 786 नंबर वाली गाड़ी से जुड़ी कहानी जिसको आप शायद ही जानते होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद शत्रु साहब को जानने का अलग नजरिया हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स। वैसे तो शत्रु साहब इंडस्ट्री में हीरो बनने आए थे, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें खलनायक बना दिया गया और फिर एक ऐसा समय आया कि बॉलीवुड में शत्रु साहब की तूती बोलने लगी। FTI से ट्रेनिंग लेने के बाद शत्रु साहब फिल्मों में कोशिश करने लगे, लेकिन होठों के पास कटे गाल के कारण किस्मत साथ नहीं दे रही थी। उनकी कटी गाल के बारे में अफवाह थी कि कॉलेज के झगड़े के दौरान चाकू लगने का परिणाम था ये, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बचपन की शरारत का नतीजा उनके चेहरे पे बना कटे का निशान। किसी चाकू का या किसी लड़ाई झगड़े का नहीं है, तो मुझे खुद भी याद नहीं है। मैं शायद 2 साल 2.5 साल 3 साल का होऊंगा और ये ब्लेड ने, वो भारत ब्लेड कुछ ब्लेड होता था लगा के, पहले मैंने अपनी बहन की शेव करने की कोशिश की, माँ दे उसी ब्लेड से, हम कहा तुमको नहीं आता, मैं करता हूँ। मैंने अपना किया, अपना शेव कर जो बताया गया किस्सा, और ये यहाँ पटक गया। कटे चेहरे से परेशान होकर एक समय वो प्लास्टिक सर्जरी तक कराने की सोचने लगे, लेकिन देवानंद साहब ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। जियो जियो प्यारे, क्या ठाट है तुम्हारे, देखो आया माखन चोर। शत्रु साहब ने हर किरदार को इतनी खूबी से निभाया कि रातों रात वो निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में ही मैन धर्मेंद्र और एंग्री यंग मैन अमिताभ की जगह उनको तरजीह देने लगे। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द बंदूक की गोली के समान होते थे, इसलिए उन्हें शॉटगन कहा जाने लगा। अरे इस बार इस आदमखोर शेर के शिकारी का नाम है
प्रभाकर श्रीवास्तव। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। रामपुरी, कोल्हापुरी, हर पुरी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हुंडा राज का खात्मा वही कर सकता है जो स्टेट का सबसे बड़ा हुंडा है। Dismiss। शत्रु साहब के बारे में सबसे महंगी मिर्च खाने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। एक बार जब वो ब्रिटिश एयरवेज से यात्रा कर रहे थे तो विमान पर बैठते ही फ्लाइट अटेंडेंट ने उनसे पूछा कि एनीथिंग यू वांट। उन्होंने कहा कि वह खाने में हरी मिर्च पसंद करते हैं और वह चाहते हैं कि उन्हें खाने के साथ वही सर्व किया जाए। केबिन क्रू ने हरी मिर्च लाने में असमर्थता जताई, लेकिन शत्रु साहब जिद पे अड़ गए और फ्लाइट से उतरने की धमकी दे डाली, साथ ही अपना लगेज भी उतारने के लिए कहा। अंततः उनके लिए हरी मिर्च का इंतजाम करना पड़ा। लेकिन उड़ान के बीच में जब लंच सर्व हो गया, विमान के कैप्टन ने आकर उनसे कहा कि उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी मिर्च खाई है, क्योंकि फ्लाइट एक घंटे विलंब से उड़ान भर रही है, सो फ्लाइट को कई जगहों पर एक्स्ट्रा टैक्स और पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, विलंब के कारण इस विमान में बैठे लोगों को जो रिफ्रेशमेंट और उनके कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाने के भी चांसेस हैं। शत्रु साहब ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कैप्टन की बात सुनकर भारी शर्मिंदगी हुई और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने लोगों को परेशानी में डाल दिया। कहते हैं तब से वो अपनी जेब में हरी मिर्च लेकर चलते हैं, लेकिन मांगते नहीं। हे जियो जियो प्यारे, क्या खाते है तुम्हारे। अभय कुमार दुबे ने बाला साहब ठाकरे पर लिखी अपनी किताब के बारे में इस बात का जिक्र किया है कि एक बार फिल्म एसोसिएशन से उनका झगड़ा होने के कारण सुलह के मकसद से शत्रु साहब बाला साहब ठाकरे के घर पहुंचे तो लंच के लिए परोसी गई उनकी थाली में बाला साहब ठाकरे ने स्पेशली हरी मिर्च रखवाया था। बाला साहब ठाकरे को शत्रु साहब की हरी मिर्च की पसंद और फ्लाइट वाली कहानी के बारे में पता था। हरी मिर्च के सामने आते ही माहौल की कड़वाहट दूर हो गई और बात हंसते हंसते सुलझ गई। आत्मविश्वास और स्वाभिमान की पूंजी के बल पर पहचान बनाने वाले शत्रु साहब आम जीवन में एक सरल इंसान के रूप में जाने जाते हैं। उनके जानने वालों का भी यही कहना है कि उनके जैसा स्वभाव वाला इंसान बहुत कम देखने को मिलता है। हर समय सबकी मदद के लिए तैयार रहना तो कोई उनसे सीखे। पर शत्रु जी इज वन पर्सन, अगर उनको आप कोई काम दे दो, कोई जिम्मेवारी दे दो, तो आप यकीन रख सकते हैं कि वो बात पूरी हो जाएगी आपकी। कि एज अ फ्रेंड ही इज अ फैंटास्टिक। 1992 के मुंबई दंगे के दौरान उनकी लाल कार, जिसका नंबर 786 था, एक व्यक्ति को लिए उनके बंगले रामायण में प्रवेश करती है। जानते हैं वो शख्स कौन था जिनको शत्रु साहब ने अपने बंगले में लाकर मेहमान के रूप में शरण देकर जान बचाई थी? वो शख्स थे दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी साहब के भाई। इस बात की जानकारी उन्होंने 2016 के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दी थी। मेरा कातिल मेरे घर में मेरा मेहमान हो गया, ओ यारो अब। फिल्म काली चरण से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा है। जब उन दिनों शत्रु बहुत ही बिजी स्टार हुआ करते थे, तब सुहास घई काली चरण बनाना चाहते थे। बहुत मशक्कत के बाद शत्रु साहब कहानी सुनने को तैयार हुए और सुभाष घई को समय दिया, सुबह 4 बजे आके मुझे कहानी सुना जाओ। जब सुभाष घई पहुंचे और शत्रु कहानी सुनने ही लगे थे तो शत्रु साहब को नींद आ गई और वो सो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने कालीचरण फिल्म की और वो फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। के 24 घंटे में यूनिट मेंबर्स को उनकी 1 महीने की सैलरी को बोनस के रूप में देने का ऐलान कर दिया था। सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले शत्रु साहब गजब के दिलदार भी हैं। दिलदार होने के साथ साथ असल जीवन में शत्रु साहब बहुत ही रोमांटिक भी कहे जाते हैं। रूठने वाली ठहर तो जा, हम भी तो पड़े हैं राहों में। शत्रु साहब ने अपनी होने वाली पत्नी पूनम जी को
चलती हुई ट्रेन में फिल्म बाकीजा के डायलॉग अपने पांव जमीन पे मत रखिएगा को कागज पे लिखकर प्रपोज किया था। शत्रु साहब वो कलाकार हैं जिसे लोग शत्रु कहकर भी गले लगाने को लालायित रहते हैं। ऐसे सच्चे और पारदर्शी जीवन जीने वाले महान अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा साहब को हमारा सलाम। अब अपने होस्ट और दोस्त विजय पांडे को दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर दोस्तों आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले किसी नायाब किस्से के साथ इसी गोल्डन मोमेंट्स पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। हम खुश हुए। अब निकल ले लल्लू पतली गली से खंबा बचा के फट। और अगर अब भी समझ में ना आया हो तो मेरा पता है 31 आयरिश पार्क, फोन नंबर 547449। गुड नाइट। टॉपिक इज ओवर।